28 नंबर पहले हम लोग काम करते हैं। जो डाउट आप लोग का आया देखो कि पॉइंट कट रहा बोलना नहीं कट रहा ना कट रहा देखना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए बाय साइन एक्स प्लस बी डीएक्स। अभी सही होगा गलत पता हमको भी नहीं है, बस हम भी ट्राई कर रहे हैं, ट्राई इसलिए कर रहे हैं बाबू कि अगर मान लिया जाए क्लास 11th के फॉर्मूला पर हम आएंगे। 11th में आपने पढ़ा था कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू व्हाट साइन वाई। इस पर तोड़ेंगे इसको, इस पर तोड़ेंगे क्या आएगा ये कॉस एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन एक्स इंटू व्हाट साइन ए। सही है, लेकिन कोई उम्मीद इससे रखता हमको नहीं है, कोई उम्मीद इससे नहीं है तो हमको बैक होना पड़ेगा, कोई उम्मीद इससे बैक होना पड़ेगा। चलिए और कुछ सोचिए, कॉस है नीचे साइन है, ये अभी होता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस ए बाय साइन एक्स प्लस बी। चलो उपाय है एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी, क्या इसको लिख सकते हैं ऊपर इतना, ऊपर इतना कर सकते हैं कि नहीं, कुछ सोच कैसे लिखे हैं। नीचे में भी कहेंगे साइन में हम लोग साइन एक्स माइनस बी ही छोड़ देंगे, ठीक है सही शांत रहोगे। अब कहो सर क्या सोच कैसा कि आप नीचे में एंगल एक्स प्लस बी है, ऊपर भी एंगल एक्स प्लस बी बनेगा क्योंकि आप इसको मान रहे हैं एक्स, इसको मान रहे हैं वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस की माइनस, प्लस था यहां माइनस हो गया, माइनस क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बाय नीचे में क्या होगा साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। सही है, अगर मैं इस पूरे टर्म को इस टर्म से अलग करूंगा कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा ये कॉट एक्स प्लस बी, और ये कॉस ए प्लस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉस ए माइनस बी और डीएक्स साथ मिले है, क्या इसको फिर से समझना पड़ेगा। देखो इस पूरे को इससे अलग करेंगे कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट, आगे में क्या लिख दिए कॉस ए माइनस बी इंटू कॉट एक्स प्लस बी, अरे कॉस ए माइनस बी आगे लिख दिए कॉस बाय साइन कॉट हो गया माइनस साइन। अब इसको इससे अलग करेंगे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ साइन ए माइनस बी इंटू व्हाट डीएक्स। अब दोनों को फिर अलग अलग करेंगे, यहां से कहोगे सब अलग अलग जब करेंगे इसको हम लोग कॉस ए माइनस बी जो कॉन्स्टेंट है ना बाहर निकल गया, अंदर से क्या बचा हुआ स्पॉट एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस साइन ए प्लस माइनस बी कॉन्स्टेंट है, साइन ए माइनस बी बाहर निकल गया, अंदर में सिर्फ क्या बचा डीएक्स कॉस ए माइनस बी रह गया। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट एक्स का फॉर्मूला भी आपको शायद दिखाई नहीं है,
हम लिखाए नहीं है लेकिन बुक में लिखा हुआ पहले से ही है, जान लोगे cos x का डेरिवेटिव होता है log sin x, ठीक है इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लिखाए, हम इस लिखाए आप पूछते हैं प्रूफ करेंगे, इसको फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे, इसलिए लिखाएंगे इसको हम cot x का फॉर्मूला क्या होगा log sin x। और अगर मान लो tan x का पूछेगा आपसे, tan x का बोलोगे log sec x, ठीक है log sec x। cot x का क्या हो गया log sin x, x के रूप में काम कौन x प्लस b, माइनस साइन ए माइनस बी आ गया, डी एक्स का क्या होगा सिर्फ एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 28, तो यहां सोचना पड़ेगा आप इस चीज का इंटीग्रेशन में, खास करके ध्यान रखिएगा जो सुनो फिर से बोलो, जो एंगल नीचे है वो एंगल ऊपर लाने का, ऊपर नीचे एक्स प्लस बी है, ऊपर भी एक्स प्लस बी बन जाएगा, कब जब बी से बी को जोड़ेंगे बी घटाएंगे, क्या B को जोड़ेंगे B से घटाएंगे, बात तो बराबर था, A साइड कर दिए, ये X मान लिए इसको Y मान लिए तोड़ दी सी, ठीक है। हमेशा जब भी नीचे का एंगल ऊपर से अलग हो दोनों को सेम करने का प्रयास हमेशा करोगे फिर आराम से बन जाएगा वो। एप्लीकेशन ऑफ साइन X माइनस अल्फा बाय साइन X प्लस अल्फा डी एक्स, ध्यान रखो इंटीग्रल ऑफ साइन नीचे में एक्स प्लस अल्फा है ऊपर भी कोशिश करना एक्स प्लस अल्फा को ही बनाएगा। अच्छा बोलो कोई तुम, मैं समझ बोल सकता है ऊपर ही क्यों आप तोड़ते हैं ऐसा, जो ऊपर में अगर टूटेगा तो एक बड़ा फॉर्मूला बनेगा, उस बड़े को छोटे से भाग सकते हैं अलग 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 करके ना, इससे ऐसा करते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा चाहिए कर दिए, प्लस पर मन से कर दिए, माइनस भी अपने मन से करना पड़ेगा आपको ना, एक माइनस अल्फा और है, एक प्लस तो हमने इसको देखते हुए किया, इसको बैलेंस करने में माइनस अल्फा कुछ से करेंगे और ये वाला उतार दी ऊपर से, ठीक है। बाय नीचे में क्या हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा रह गया डी एक्स, बोलो साइन एक्स प्लस अल्फा को जो का त्यों छोड़ देंगे, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया माइनस टू अल्फा, नहीं होगा। नीचे में क्या रह गया साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको क्या मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे इसको वाई, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या लिखा है साइन एक्स माइनस वाई, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े भी हैं, इस दोनों को भी याद रखो इंटीग्रेशन यूज करते हैं इसका हमेशा, हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में इस दोनों का भी यूज करेंगे, 11th का फॉर्मूला कहीं नोट कर लो इसको भी। साइन एक्स माइनस वाई क्या हो गया साइन एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस वाई, कॉस वाई मीन्स अल्फा माइनस कॉस एक्स मीन्स एक्स प्लस अल्फा, साइन वाई मीन्स टू अल्फा पाए, नीचे भी क्या हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। चलिए फिर ध्यान देना, जब इस पार्ट को इससे अल्फा करेंगे कुछ कटेगा साइन अल्फा, ये कट गया बचा सिर्फ क्या कॉस टू अल्फा, सही है। जब इसको इस पार्ट से अल्फा करेंगे कॉस बाय साइन एंगल सेम है ना, कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन टू अल्फा, बाहर में कौन है डी एक्स, ठीक है। अगर अब दोनों को सेपरेट करेंगे बोलो कॉस टू अल्फा डी एक्स माइनस, ये कॉन्स्टेंट है साइन के साथ अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, दैट मीन साइन टू अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए, अंदर में क्या बचा सिर्फ कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, सही है। बोलो कॉस टू अल्फा कॉन्स्टेंट की वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, एक्स है वही वेरिएबल वेरिएबल बाकी सब कॉन्स्टेंट है, कॉस टू अल्फा भी बाहर निकल जाएगा, कॉस टू अल्फा बाहर निकाल लोगे क्या बचेगा अंदर में डी एक्स माइनस साइन टू अल्फा पहले से बाहर है, कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है कॉट एक्स का लिखा है लॉग साइन एक्स, मतलब आंसर क्या इसका हो गया लॉग साइन एक्स, एक्स मीन्स एक्स प्लस अल्फा प्लस वट सी डी एक्स, क्या कहेंगे एक्स, आंसर हो गया एक्स कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, जो आपको दोनों करवाया अभी हम 28 29। और कोई क्वेश्चन के निकल नहीं बना है 24।
हमेशा नीचे वाले एंगल के बराबर करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए फिर आपको हम देंगे क्वेश्चन इस टाइप का ही है, नीचे वाले को मैं बार बार कर रहा हूं डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि नीचे का टर्म छोटा रहेगा, ऊपर बड़ा कर देंगे तो बड़ा में छोटा को भाग देंगे तो कट जाएगा। चलो बताओगे क्या करें, यहां पर कॉस ए माइनस बी है, नीचे वाले के समान करने क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी यहां पर है, नीचे वाले टर्म के इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको कॉस को लिख दिए, यहाँ पर पहले और पहले क्या लिखूं, यहाँ पर वेरी गुड ए प्लस बी लिख दिए। अपने मन से किसको लाए, ए तो जो का क्यों है, अपने मन से लाए किसको, प्लस बी को, प्लस बी तो बैलेंस करने क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको माइनस बी, माइनस बी कर देगा, और एक बार माइनस बी क्यों कर, माइनस बी सर कट के बाद बराबर कट के बराबर हो ही गया जो वहां पर बचा, हाँ हाँ जो बचा उसको उतारते हैं, ये तो सुनना चाहे तुम इसमें इतने बोलो, सही है बैठ जाओ, सही है ना। तो बोलो यहां से अब क्या होगा, नीचे में कॉस ए प्लस बी माइनस क्या हो गया, क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, हमेशा ध्यान रखो जो नीचे का एंगल है ऊपर भी एक एंगल वैसा बना दो, ठीक है, प्लस माइनस करके अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व करते पड़ोगे, बस हम आपको फॉर्मेट दे दिए इसका, ये दो फॉर्मूला आपको जितना भी लिखा रहे हैं फॉर्मूला सबको तराखट, एक पेन रखो ब्लैंक, वहां नोट सजा करते हुए एक पेन रखिए ब्लैंक, उस फॉर्मूला को उस पेज पर नोट करते हुए साथ साथ चले जाइए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन एक आया है डाउट के रूप में, उस पर भी काम कर लेते हैं। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। देखो जब भी रूट हो रूट को रिमूव करने का स्लाइस करते हैं, उस तरह यहां भी स्लाइस करेंगे ना, ध्यान दो यहां क्या, इसको आराम से हम लोग 1 इंटू dx भी तो कर सकते हैं, dx को एकदम साइड रखोगे वैसा आराम आपको मिलेगा। चलिए 1 है, आप गुना भाग किससे करें, अंडर रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 2 है, गुना भाग किससे करें, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, सही है, रेशनलाइज करने का ही नहीं था, बीच से प्लस तो मैंने गुना भाग करते, दिस इंटू 1 दिस रहेगा नहीं होगा, दिस इंटू 1 तो ऑब्वियसली दिस ही रहेगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस इंटू दिस क्या आएगा, यहाँ दिस का स्क्वायर एक्स प्लस वन हो जाएगा, दिस यहाँ कौन है, इसका स्क्वायर क्या होगा, बीच माइनस होगा, इंटू क्या हो गया डी एक्स, कुछ कटने की उम्मीद है, किसके कटने की उम्मीद है, एक्स के कटने, एक्स एक्स कट गया, 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1, ठीक है यहां तक, माइनस 1 माइनस बाहर निकाल लेंगे, जब माइनस बाहर निकाल लिए अंडर रूट कितना हो गया x प्लस 1 dx, और ये dx हो गया, पहले राउंड में बात है x प्लस 2 dx, सही यहां पर क्या, ये पूरा मानो ब्रैकेट में बाहर माइनस, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे हम लोग तो माइनस अंडर रूट क्या होगा, x प्लस 1 dx माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अंडर रूट x प्लस 2 dx, सही है। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन जिस तरह रूट एक्स का डेरिवेटिव आप याद किए थे 1/2 रूट एक्स, उस तरह रूट एक्स का इंटीग्रेशन भी याद कर ही लो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पावर में लाओगे जोड़ोगे घटाओगे, दिखाते हैं पहले तरीके बनाते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 पे पावर कितना होगा 1/2 बन जाएगा, तो एक्स की पावर एन पर है ना, साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, हम पूछेंगे इनसे जवाब उनका होगा, यू ऑन है, चलो पढ़ाओगे तुम,
साइन एक्स यहाँ पर है, हम चाहते हैं नीचे का एंगल बने, हम क्या चाहते हैं नीचे का जो एंगल है साइन का वो बने, साइन का नीचे का एंगल कौन है एक्स माइनस अल्फा है ना, ऊपर भी एक्स माइनस अल्फा बनाना चाहेंगे हम, ब्रो एक्स यहाँ चौक का जो लिख दिया, अब क्या करें, वेरी गुड माइनस अल्फा उसके बोलोगे ऊपर सिर्फ एक्स है, बस एक्स छाप दी यहाँ पर लाना है माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा चाहिए हमको ना, तुम्हारे देख इसको देख करके तुम ऊपर ले आए इसको बात मान लिया, हम बगल में क्या करें बस, तो अब और बोलना कुछ है क्या आगे, और कुछ बोलना है स्टॉप करें इसको, आगे होगा भाई आगे होगा तो क्या होगा, अब माइनस अल्फा कहाँ ले जाओगे इसको जी, देखो ये अल्फा अल्फा कट गया अब तो बची गया, ये अब बन गया यहाँ, वहाँ हर हर क्वेश्चन में दो टर्न था, यहाँ एक टर्न ऊपर दिया हुआ है, लेकिन प्रयास सही के कम बात नहीं आऊ, यहाँ तक सही बोला नहीं इसने हंसना नहीं था हमको भी, हम आगे और बोल रहा है आगे बोलिए रहा है, चलो बन जाएगा ठीक है, सॉल्व कर लोगे हम एक्स मान लोगे ये भाई ठीक है, नीचे का एंगल बस सेम करना है, एक बार माइनस के द्वारा प्लस करिए दी, अब कुछ करेगा इसमें ओके, काम खत्म इसका खत्म हो गया प्लस हो गया है, तुमसे क्वेश्चन है पूरी लेट से आया था कौन दिन पानी पी, चलो इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x dx, देखो ये फॉर्मूला 11th में आप लोग पढ़े होंगे उसका यूज करना पड़ेगा, एक पेपर में 11th का फॉर्मूला तो लिखा हुआ था, वो पेपर दीपावली में फट गया तो आप लोग प्रयास कीजिएगा फिर से उस पेपर को आने का, बनाए कौन दी थी हमको सर, हाँ मना देगी दैनिक जागरण में बहुत कुछ मिलता है, देखो आंसर ध्यान दो, इसका फॉर्मूला आपको हम शायद दिखाए होंगे याद होगा, थोड़ा सा भैया याद होगा, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स, फॉर्मूला आपको खुद को याद नहीं है क्योंकि आपको हर बार करते हैं चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो, बेसिक याद रखिए उसे निकाल लीजिए, सुनो क्या बोल, बेसिक याद रखो उससे निकल जाएगा, सर कहोगे सर कैसे निकल जाएगा, देखिए आपके सामने हम निकाल के दिखा रहे हैं फॉर्मूला को, तो हम खुद भी इसको याद नहीं किया आज तक कभी, साइन है एक मिनट साइन है ना, साइन साइन सेम किसमें आता है कॉस वाले में, कॉस एक्स प्लस वाई का वो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस माइनस इंटू साइन वाई, ये बेसिक फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का एक्स माइनस वाई फॉर्मूला क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, सही है ये फॉर्मूला किसका है, कॉस एक्स माइनस वाई का है ना, हम कॉस एक्स प्लस वाई को फिर लिख रहे हैं एक बार क्योंकि हमको माइनस करने में दिक्कत फिर नहीं होगा, अरे वही चीज जो ऊपर लिखे उनसे कर दिए, उसे क्यों कर दिए, क्योंकि बात था ऐसा ना, अगर उसको हम लोग माइनस करेंगे ये प्लस होगा ये माइनस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा प्लस प्लस क्या होगा, प्लस साइन साइन कितना हो गया, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, फॉर्मूला याद नहीं था फॉर्मूला निकल गया हम तुरंत में, इसीलिए आपको हम कहते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं करो, निकल गया ना यूज कर लेंगे, चलिए 2 साइन x इंटू वाई का फॉर्मूला क्या आप सीख गए, इसी तर्ज पर हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास था साइन 3x इंटू साइन 2x, अब कहोगे सर u इंटू भी लगा दें क्या, u इंटू भी है कर लगा दो है क्या, जब u इंटू भी है ही नहीं इंटीग्रेशन में तो लगाओगे कहां से, यही उपाय एक बचा, ध्यान देना क्या कर रहा है, साइन x ये क्या साइन y हो गया ना,
अरे 3x को x कहेंगे, 2xy नहीं कहेंगे, आगे में दू चाहिए ना, दू नहीं है, दू से क्या किए, गुना किए, दू से भाग कर दिए, दू से गुना, दू से भाग, तो बात सेम हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बना, मिटा रहे फॉर्मूला को, देखो 1/2 जो का देव रह गया, इंटीग्रल जो का देव रह गया, इस पूरे के बदले क्या कहोगे, कॉस x, x मतलब 3x माइनस y, y मीन्स 2x माइनस माइनस cos cos x प्लस y x प्लस 2y 2x, बाहर में कौन है dx, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला पर सेट कर दिए इसको, अब लगता है वो मेरे बन जाने का, कितना होगा ये cos, कितने दू गया x, cos कितना होगा 5x, क्या दोनों का फॉर्मूला पढ़े कि पढ़े, पढ़े हैं, बट यहाँ ब्रेक किया कोर्स कितना है इंपोर्टेंट, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अलग कर दिए, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाइव एक्स डी एक्स भी क्या कर दिए अलग, ब्रो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस साइन होगा, सिर्फ साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स, बाकी रह गया ना माइनस वन बाई टू, कॉस एक्स मान रहे हैं फिर इसको हम लोग, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा, लेकिन x नहीं कुछ और रही, x क्या 5x है, 5x का डेरिवेटिव 5, यहाँ वहां पर गुना में कूट करते थे, यहाँ गुना नहीं भाग में कूट करेंगे, वो भी क्या, वो भी सुन लो क्या बोलना चाह रहे, अगर यहाँ पर x स्क्वायर रहता तब कह देता tan x होगा, डिवाइड में tan x नहीं करेंगे, ये एप्लीकेबल सिर्फ लीनियर के लिए ही है, मतलब यहाँ x होगा तभी होगा, x स्क्वायर रहेगा तब नहीं होगा ये फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अलग सा तरीका जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसे मान लो कि तुम सुनोगे, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos tan x, एंगल tan x है ना, cos इसको हम x ट्रीट कर रहे हैं, cos x का क्या हो गया sin x, बट x नहीं tan x है, x डिफरेंशिएशन में tan आएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रहता आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या तुम अभी भी इस पक्ष मान लोगे, अब यहाँ कुछ कुछ नहीं मान सकते हो, गलती हो गई, वो तरीका भूल जाओ वहीं तक था, वो यहाँ एक्स नहीं कुछ और है जी, वो नहीं मानना है, ठीक है। चलिए तो आप सब सीख गए हैं फॉर्मूला क्या होता है, नहीं सीख गए हो लेकिन तुमसे नहीं पूछे, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ tan dx क्या होगा, सोच के बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ tan dx, tan 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 करते हो तब शुरू हो गया, वहां जाना ठीक है, सुना सुबह एग्जाम में फॉर्मूला तुम भूल भी गए कोई फॉर्मूला तो उसको बाबू सिंपल निकाल लोगे उस तरीका से सिखाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन ये पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन दिया भाई, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको मिटा देना, मेन तरीका बस यहीं तक, यहां तक ले जाए आपका बनाना आसान है कि नहीं, मैंने उसके फॉर्मूला कैसे बनाया वो इंपॉर्टेंट था। चलो एक बार और हम इस पर काम कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है फर्स्ट चैप्टर का, देखिए सभी ध्यान देना यहां पर, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, कॉस में बोलो क्या लिखा है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, बताए थे ना लगा दी, सिर्फ कॉस में ही क्यों लिखे आप, चूंकि कॉस नीचे में है तो कॉस लिखा है, टू कॉस अल्फा को टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखा है ना, उस पर कॉस टू अल्फा को क्या कहेंगे, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, सही है। तो इतना तो सोचे कैसे, नीचे में आप देखिए एक्स है अल्फा है ना, टू एक्स एक्स में आ गया, टू अल्फा भी अल्फा में आ गया, ठीक है। अभी कॉस को कॉस में रखे, साइन का फॉर्मूला भी था उसको क्यों नहीं लगाए, नीचे में साइन तो है नहीं, इसीलिए सब सोच करके लगाना पड़ेगा, नीचे में कॉस ऊपर भी कॉस चाहिए,
अपन ब्रैकेट तोड़ेंगे कुछ कटेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस वन है, ये क्या हो जाएगा प्लस वन, कट जाएगा, कट गया। टू कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस कितना बचेगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कितना कॉस एक्स माइनस कितना कॉस अल्फा डी एक्स, सही है। कॉमन क्या आएगा टू, कॉमन टू आएगा ना, कॉमन टू आने के बाद बोलो अंदर में क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कितना कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब लग रहा है कि आंसर के करीब करीब पहुंच रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़े हो, ए प्लस बी इंटू ए इंटू ए माइनस बी बाय कितना कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, बचेगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कट गया। जब ये कट गया तो क्या बचा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, टू इंटू क्या इसको लिख सकते हो, टू इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस टू इंटू कॉस अल्फा डी एक्स, बन जाएगा ना कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस अल्फा कौन से बाहर निकल जाएगा डी एक्स का एक्स, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला इलेवेंथ क्लास का आप लोग पढ़ाए हैं और टेंथ क्लास का लिखाए थे वो उसको याद रखिए, इंटीग्रल का सारा क्वेश्चन बनेगा आपके वहां से, हमेशा जब भी एंगल रहे उसको बाहर निकालो, ठीक है। कौन सी भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे वो एमसीक्यू सिर्फ बोर्ड के लिए है, खास करके है।